आपके सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। समझौता नहीं पहल चाहिए। सुप्रीम पावर न्यूज को आपके मिल रहे प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावर न्यूज की पूरी टीम आपकी आभारी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए ले चलते हैं आपको आज की ताज़ातरीन खबरों। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लाल बर्रा से। भक्त ने शरीर पर बोए ज्वारे, जन कल्याण का उद्देश्य। इन दिनों पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम है। सभी अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा अर्चना साधना में मग्न है। इसी बीच एक देवी भक्त नरजग कल्याण की कामना लेकर अपने शरीर पर ज्वारे बोए। बालाघाट जिले के लालबर्रा ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम धपेरा निवासी भगत राम दांदरे ने अपने घर में बैठ की दिनांक से अखंड ज्योत प्रज्वलित कर अपने शरीर पर ज्वारे बोए। चर्चा करते हुए भगत राम ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार मां शारदा देवी के दर्शन हेतु पदयात्रा करता रहा और इस साल अपने शरीर पर ज्वारे बोए। इस दौरान दिन में 2-3 बार दूध के अलावा और किसी अन्य आदि का सेवन नहीं करते। उनकी अपनी कोई मन्नत नहीं, ये सब वे जगत कल्याण के लिए कर रहे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लालबर्रा से शरद धानेश्वर के साथ लकेश पंचेश्वर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भगत राम दांदरे। अच्छा, ये जो आपने अपने शरीर पर जवारे बोए हुए, किस उद्देश्य से बोए हुए आपने? ये सभी भक्तों का कल्याण के लिए, दुख दूर करने के लिए। जो शक्ति माता से जाते हैं वो भक्तों के लिए दुख दूर करने के लिए आते हैं। अच्छा, इसके पहले कभी ऐसा कुछ किए थे आप? इसके पहले ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 3 वर्ष से पैदल पग गया है। कहाँ की? मैहर। कितने दिनों में? पहला साल गया 8, दूसरे साल 7वां दिन। अच्छा, और तीसरा साल में फिर 8वां दिन। तो ऐसा निरंतर चलते रहेगा ये? 3 वर्ष तो पूर्ण हो चुका और अब 3 वर्ष फिर ये पूर्ण करना है। अच्छा, तो इस अंतराल में आप क्या क्या कुछ खाते पीते हो या फिर? अभी तो दो चम्मच 3 चम्मच जो भी है। उसके अलावा कुछ खाना पीना, कुछ फलाहार वगैरह कुछ अभी नहीं? अपने भक्तों से कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, भक्तों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी भक्त आकर के माता रानी की जो भी इच्छा पूर्ण दर्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये भक्त ऐसा नहीं किया है जो अपने लिए किया, ये सभी भक्तों के कल्याण के लिए किया है, दुख दूर करने के लिए किया है। यही तन मन की भक्ति कर रहा है तो सभी भक्तों के लिए कर रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी कुछ मन्नत थी क्या विशेष? नहीं, ऐसा कोई मन्नत नहीं। ऐसा मन्नत रहता तो मैं अपने लिए कुछ मांग लेता माता रानी से। जो भी मांगना था, माँ ने दर्शन दी तो मैं तो माता से बोल सकता था कि मुझे धन दौलत जो भी चाहिए दे दो माता जी, इसलिए मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये निरंतर आप 3 सालों से करते आ रहे हैं? हाँ, 3 साल। और ये 4th साल जो मैं हरियाली बाड़ी किया हूँ और ये 3 साल तक यही चलेगा कंटिन्यू। अच्छा, उपरांत हमने निश्चय कर चुके हैं कि डोंगरगढ़ 3 वर्ष पैदल पग फिर से प्रारंभ, डोंगरगढ़ जाएंगे। आप अकेले जाते हैं साथ में कोई जाता? साथ में सहयोग जो भी भक्त आते हैं। तो उस समय आप पदयात्रा करते हैं तो बिना चप्पल के? हाँ, बिना चप्पल के पग यात्रा, बिना चप्पल के ही कहलाते हैं।